लिखो तब तक आने गाना वैसे मरे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का जो मेन टॉपिक है जो हमारा काम का है वो है गार्नर वर्सेस मरे ठीक है सारा सब इसी में से आता है इस टॉपिक में डिसोल्यूशन का जो बेसिक पार्ट था वो तो लास्ट पढ़ लिए थे वो हम एक बार दे देगा उसमें अभी स्टार्टिंग में भी तो ध्यान से सुनते रहो ठीक है गार्नर वर्सेस मरे कौन था पता है कौन है क्रिकेट देखता कोई क्रिकेट कोई क्रिकेट नहीं देखता तो क्रिकेटर नहीं है ठीक है डकवर्थ लुईस सुना था क्रिकेटर लोग जो मेथड निकाले थे कुछ हाँ वैसे गार्डनर वर्सेस मरे भी दो इंसान थे जो कुछ मेथड निकाले अच्छा चैप्टर क्या नाम है पार्टनरशिप फॉर्म है तो ये लोग भी क्या क्या होगा कुछ पार्टनरशिप किया होगा अच्छा ये लोग पार्टनरशिप किस में किया होगा गार्डनर मरे में कि कुछ और भी होगा सोच के बताओ किसी को आइडिया नहीं है बचपन में कोई नहीं बताया डिसोल्यूशन चैप्टर तो था ना ट्वेल्थ में तो उसमें तो ये सब पढ़ा होगा गार्डनर वर्सेस मरे नहीं बैकग्राउंड नहीं पता ठीक है अच्छा गार्नर मरे और विल्किंस ये तीन पार्टनर था ठीक है ये तीन पार्टनर किया क्या पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर किया अब पार्टनरशिप फॉर्म में इन लोग बिजनेस किया इन लोग में से जो विल्किन पार्टनर था वो दिवालिया हो गया दिवालिया होने का मतलब क्या होता है इंसॉल्वेंट हो गया इंग्लिश में दिवालिया का मतलब वेरी गुड मतलब पूछा था इंग्लिश कन्वर्ट कर दिया ठीक है मतलब जिसके पास घर में पैसा वैसा नहीं है वो होता है दिवालिया ठीक है तो ये दिवालिया हो गया अब जब ये दिवालिया हो गया तो इसके पास पैसा तो नहीं होगा ठीक क्या करेगा ये बताओ सोच के बताओ अच्छा जब ये दिवालिया हो गया तो अब ये क्या करेगा बताओ पैसा नहीं अपना घर बार बेचेगा घर बार बेच के जो पैसा आएगा वो उसको दिया जाएगा अब घर बार बेचने के बाद भी अगर पैसा नहीं बचा तो क्या होगा बोलो घर बार बेचने के बाद भी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि जितना उसका डेफिशिएंसी उसको कवर किया जाए तो क्या करेगा वो अब कुछ नहीं करेगा ठीक है इसके बाद कौन करेगा गार्नर एंड मरे मतलब बाकी जो पार्टनर्स है वो लोग करेंगे तो ऐसे ही कुछ हुआ ये लोग अब डिवाइड करने में बात आया अब दो टाइप का रेशियो होता है हम लोग के पास एक होता है क्या बोलो तो कैपिटल रेशियो और दूसरा क्या होता है पीएसआर इसको तो सब जानता ही होगा ये दो रेशियो ये भी निकलता पता है ये अच्छा कैपिटल रेशियो कैसे निकलता है कहाँ से निकलता है कैपिटल रेशियो दोनों का जो कैपिटल होता है सपोज 70,000, 30,000, 20,000 है तो उसका रेशियो हम लोग 7:3:2 निकाल लिए और पीएसआर क्या होता है कहाँ दिया हुआ रहता है ये पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया हुआ रहता तो फेमस हम लोग को पता है क्या करते थे इक्वली करना इन लोग का प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन लोग तीनों का किसका किसका गार्नर मरे और विल्किंस ये गार्नर मरे और विल्किंस ये तीनों का ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और जो कैपिटल रेशियो है ना सेकंड नंबर जो गार्नर मरे और विल्किंस का कैपिटल रेशियो था और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दोनों अलग था ठीक है अब जब ये दोनों अलग था इन लोग में डिबेट ये हो गया कि इसका जो विल्किन का जो लॉस है ये कौन बियर करेगा जो इसका जो डेफिशिएंसी आ रहा है वो कौन बियर करेगा तो मरे और गार्नर में डिसाइड किया हुआ कि डिस्प्यूटेड हो गया ना मैटर अब डिस्प्यूटेड मैटर हो जाता है तो कहां जाता है इंसान कोर्ट में जाता है कि आपस में सेटल कर लेते हैं कोर्ट में जाएगा तो ये लोग भी कोर्ट में गया गार्डनर मरे तो ये लोग कोर्ट में गया तो बोला ये प्रॉब्लम है क्या करें हम लोग इसका तो कोर्ट क्या डिसाइड किया होगा सोचो इसमें डिसाइड किया होगा या इसमें डिसाइड किया होगा लॉजिकली बोलो ना क्या किया होगा कैपिटल रेशियो में डिसाइड किया होगा या पीएसआर में डिसाइड किया होगा 1904 का डिसीजन है तब कोई पैदा भी नहीं हुआ था हम लोग हम भी नहीं पैदा ठीक है बोलो कैपिटल क्यों कारण क्या पीएसआर में क्यों नहीं कैपिटल में क्यों आंसर इज एकदम राइट कैपिटल रेशियो में वो लोग बोला था बट क्यों पीएसआर चेंज होता रहता ना बट इसमें जो फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा वो अचानक सब चेंज नहीं कर सकते हो ठीक है लेकिन पीएसआर क्या होगा अब तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा विल्किंस डिसॉल्व हो गया पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा ठीक है तो कोर्ट डिसाइड किया कि अभी क्या करेंगे ये लोग कैपिटल रेशियो में इसको बियर कर रहे हैं ठीक है तो फर्दर इन लोग तीन रूल्स बनाए इसके लिए अच्छा सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं था और भी एक दो प्रॉब्लम था जो हम लोग डिस्कस करते तीन रूल ये बनाया है ये लोग पहला रूल क्या था जो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा रिलेशन अकाउंट तो याद है सबको क्या होता था रिलेशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस इनकर होता था तो जो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा वो कौन शेयर करेगा लॉस ऑन रियलाइजेशन कौन शेयर करेगा बोलो विल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स या गार्नर या मरे बोलो विल बी शेयर्ड बाय
ऑल पार्टनर्स, क्योंकि जो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आता है हम लोग उसको बचपन से क्या करते आए हैं, पीएसआर में बांटते हुए आए हैं, ठीक है, सारे पार्टनर्स में, तो हम लोग इसको विल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स, कौन सा रेशियो में, इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड लॉ क्या बताया अभी हम लोग पढ़े ना, कौन सा, जो विल्किंस का, जो इनसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी होगा वो कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर। व्हाट इज ओल्ड एंड व्हाट इज न्यू, विल्किन में क्या साबुन धो दिया गया तो न्यू हो गया, वो विल्किन भी तो ओल्ड ही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या, विल्किन्स क्या मर गया है, वो भी तो एग्जिस्टिंग है, रिमेनिंग पार्टनर क्या होता है, बोलो सॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है, वर्ड यूज करो, तो डेफिशिएंसी लिखते जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ विल्किन्स या विल्किन्स क्यों लिखते हैं हम लोग, केस स्टडी तो हम लोग को लिखना नहीं है, वो बैकग्राउंड के लिए काफी है, डेफिशिएंसी ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर will be borne by the solvent partner, in कौन सा रेशियो, डेफिशिएंसी ऑफ द इनसॉल्वेंट पार्टनर, मतलब वो विल्किन का, विल बी बॉर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स, मतलब गार्नर एंड मरे, इन द Which ratio? In the capital ratio. Very good. In the capital ratio. Will be born. Born B-O-R-N. मतलब bear करेंगे. Shall be. अच्छा will be shared by all the partners. Shall be shared by all the partners in ESR profit sharing ratio. अच्छा एक और रूल बोल, प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब एक पार्टनर ये जो इंसॉल्वेंट वाला है, ठीक है, वो तो पैसा उसका हम लोग ये दो शेयर करेंगे, ये श्योर हो गए हम लोग, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अब वो जो बैलेंस दो पार्टनर है गार्नर और हमारे, इसमें एक के पास खुद का भी पैसा नहीं, तो कौन बियर करेगा, तो जी क्या होना चाहिए, हाँ अब कौन बियर करेगा, मतलब विल्किन्स का जो डेफिशिएंसी आया था, सपोज 1 लाख रुपए का लॉस हुआ था उसको, लेकिन गार्नर और मरे में से मरे के पास पैसा ही नहीं है कि वो लेके आ सके, उसका घर बार बेच के सब कुछ करके पैसा नहीं है कि वो लेके आ सके, तो अब कौन बियर कर, अब मरे के ही पास पैसा नहीं है, अब गार्नर बोलता मरे नहीं मरे बियर करके, चलो उसका बात सही है कि वो बोलना चाहता कि जो बच गया पार्टनर, एक पार्टनर जो बच गया था वो करेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ओनली Only partners having credit balance will share the loss of deficiency. Ya khali will share the deficiency with the partner. Will share the deficiency. ये जब इंसॉल्वेंसी हो रहा है क्या फर्म के पास पैसा होगा या नहीं होगा तब हो रहा है इंसॉल्वेंसी, फर्म के पास पैसा नहीं होगा, फर्म के पास पैसा नहीं है जब तो ये क्या करना चाहिए, जो लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ था ये बाकी पार्टनर को लेके आना चाहिए, हाँ यार, ताकि फर्म के पास पैसा हो जाए, ओके, बाकी पार्टनर बोले तो कौन कौन लेके आएगा, क्यों वो क्यों नहीं लेके आएगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन हम लोग बात किए थे मरे के पास भी तो पैसा नहीं है, नहीं ये टाइम में दोनों लेके आए, ठीक है, यहाँ बताएंगे सब में आप लोग को इतना पैसा दिया जाएगा कि वो लोग लॉस का पैसा लेके आए, ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सारा प्रोसेस वगैरह डेफिशिएंसी शुरू करेंगे, तो यहाँ लिखो रियलाइजेशन लॉस विल बी ब्रॉट इन बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। अच्छा कोई रेशियो होना चाहिए क्या इसका, सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द सम रेशियो वगैरह कुछ लिखना चाहिए क्या, बोलो बोलो लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए,
लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, सिंपल सा बताओ। कोई रेशियो होगा क्या? कोई रेशियो होने का दरकार नहीं है। क्यों नहीं होने का दरकार है? क्योंकि जब तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन बोल के तो बांटा ही होगा वो लॉस को अपने अपने कॉलम में, और इसी लॉस को तो लेके आना है। तो जब इस लॉस को लेके आओगे तो एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री। इस लॉस का जो पैसा है ये फर्म में आ रहा है, तो फर्म में आ रहा है तो फर्म के पास पैसा आएगा, तो उसका क्या होगा? फर्म के पास पैसा आता तो क्या डेबिट करते हैं? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, कौन लेके आ रहा है? वो पार्टनर जो जो सॉल्वेंट है, तो इसको मार्क कर लेगा कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो लेके आएगा। यहाँ रूल क्या था? विल बी बॉर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स था, लेकिन इसके साथ और एक अटैच्ड कंडीशन क्या है? हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ये सारे पार्टनर्स लॉस को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो लाइन काम का चीज है ये ऑल पार्टनर्स। फटाफट ये चारों लिख, एक क्वेश्चन करेंगे उससे पूरा एकदम लोग करेंगे। अब बड़ा बड़ा सब क्वेश्चन आएगा, ये पूरा क्वेश्चन जो भी हम लोग करने जा रहे हैं सिर्फ 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब एक चैप्टर कर लिया अगर अच्छे से राइट तो 15 मार्क आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो बाकी। तो सीधा 15 नंबर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में खाली एक करेक्शन कर लो पहले। यहाँ जो रियलाइजेशन एक्सपेंस 500 रुपया दिया है, इसको 1500 कर दो। पेज नंबर 31 में जहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 500 है उसके पहले 1 लगा दो, 1500 कर दो उसको। ठीक है, चलो अब अच्छे से पहले 2 मिनट क्वेश्चन को शांति से पढ़ो, फील लो क्लास 12 वापस आया है कि नहीं, डिसोल्यूशन से फेमिलियर हो। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, गुड आई थे तुम्हारा बुक गया। राजेश घर में पढ़ रहा हूँ, राजेश अलग पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ ली। तुम्हारा नाम क्या? पढ़ लिया, क्या क्या अकाउंट बनाते थे बताओ, कोमल बताओ, क्या क्या अकाउंट हम लोग बनाते थे बचपन में? डिसोल्यूशन में क्या क्या अकाउंट बनता था? हेल्प करते रहो, जो लास्ट क्लास करके रखे उसको हेल्प करते रहो, उसको पूरा याद नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते थे, इसका थोड़ा सा लॉजिक दे दो इस बार। वाई नॉट रिवैल्यूएशन, वाई रियलाइजेशन? बंद कर रहे धंधा को, इसके बाद और कुछ रिवैल्यू करने का दरकार नहीं है। वेरी गुड, तो सबसे पहला अकाउंट सब लोग बनाएंगे रियलाइजेशन शुरू करते। फॉर्मेट रेडी करो, अच्छा सबसे पहला काम क्या करना है? पुराना वाला बैलेंस शीट को बंद करना है। तो पुराना वाला बैलेंस शीट एसेट से शुरू करेगा या लाइब्रेरी से? जो इच्छा बोलो, कहां से करेंगे? एसेट्स से, एसेट्स। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम लोग उसको क्या करना है? कैंसिल करना है। तो उसको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगा हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। एसेट्स को क्रेडिट करना है तो टू एसेट्स होना चाहिए ना, कोई भी एसेट को क्रेडिट करना है तो टू एसेट होगा। तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। पहला एसेट्स का नाम
तो टू फर्नीचर इस तरह कितना है फर्नीचर? 1/4 14,000. इस तरह हमको बाकी सारा एसेट्स का काम करके दो जल्दी से. इस तरह बाकी सारा एसेट्स का काम करके दो. सारा एसेट्स का काम हो गया. अच्छा डेटर्स में कंफ्यूजन हो रहा होगा. डेटर्स कितना दिया हुआ है? 22,000. तो इधर 2 क्या लिखा? 22,000. लेस प्रोविजन भी है ना. इधर 2 20,000 लिखा है या 22,000? 22,000 लिखा. 2 22,000 प्रोविजन वाला वहां पे. ठीक है, जो लास्ट किया हुआ है लास्ट वाला, उन्होंने बाकी लोग का हेल्प कर दिया. तो 2 डेटर्स 22,000. और क्या क्या आइटम है जल्दी बताओ, हम लिख लेते हैं. स्टॉक 2 स्टॉक कितना? 12,500. और बोलो बस तीन ही ऐसे. ठीक है, अच्छा लाइबिलिटीज में शुरू करें. अच्छा एसेट को 2 कर रहे हैं तो लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको डेबिट करेंगे. ठीक है, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो बाई लाइबिलिटी पहला वाला लाइबिलिटी पहला प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 1,000. इसके बाद क्रेडिटर्स कितना? 25,000. नेक्स्ट दो ही दो. हाँ ये बोल रहे सिर्फ दो ही तो है. अमूज लोन नहीं, देखो पार्टनर का लोन है ना, उसको अलग से अकाउंट नहीं, उसको सीधा पे कर देंगे. देखो पार्टनर का जो लोन है वो तो उसको किसी और को पे करना है क्या? हम लोगों सिर्फ पार्टनर को ही पे करना है. ये सब तो बाहर में बेचेंगे ना जाके, इसको बाहर में पे ऑफ करेंगे, इसको बाहर में बेचेंगे. लेकिन पार्टनर का लोन को तो कहीं बाहर नहीं करना है, उसको हम लोग रिलेशन अकाउंट में लिखना नहीं है. ठीक है, कहा नहीं कदम, इसको बैंक में डायरेक्टली पे करेंगे उसको लास्ट के छोटे, तो उसमें मार्क करके छोड़ देगा कि हम लोग उसको लास्ट में करेंगे. ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं. और बताओ, और कोई आइटम नहीं है ना? बैलेंस शीट खत्म. अब रियलाइजेशन करने के लिए हम लोग को एडजस्टमेंट्स देखना पड़ेगा. चलो आओ एडजस्टमेंट्स में आते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट? एसेट्स रियलाइज कितना? सब दिया हुआ एसेट रियलाइज. अच्छा कोई भी एसेट रियलाइज होगा तो एंट्री क्या होगा? एसेट बेच के क्या आएगा हमारे पास? पैसा आएगा. अच्छा कैश या बैंक, वो नीचे देख लो कौन सा अकाउंट दिया हुआ बैलेंस शीट में ना. बैंक होगा ना, कैश या बैंक दिया हुआ तो बैंक होगा. ठीक है, चलो एंट्री क्या होगा? यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स नहीं रियलाइजेशन. अगर हम एक बार हम एसेट्स तो क्लोज कर चुके ना एसेट्स का अकाउंट, यहाँ जब आप क्रेडिट किया तो बैलेंस शीट से तो एसेट हट गया. तो अब आप वापस अगर एसेट को करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा वापस, तो वापस तो नया खोलना नहीं है. क्या करना है? क्लोज करना है. तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैंक. अच्छा कुछ लोग का आदत होता है कि इसके अंदर अंडरलाइन किया और नीचे एसेट्स लिखा. जो अभी फर्स्ट क्लास कर उसके लिए बता रहे, यहाँ आइटम्स लिख दिया तो वो प्रॉब्लम क्या होता है? वो गलत. ठीक है, वो हम लोग को नहीं करना. हम लोग क्या करेंगे? बाय बैंक लिख के वर्किंग नोट वन, और वर्किंग नोट वन में जाते. अच्छा यहाँ पे मत बना लेना वर्किंग नोट वन, अभी पार्टनर्स कैपिटल बनेगा बैंक बनेगा. पेज छोड़ के वर्किंग नोट वन बनाओ. ठीक है, हम तो मिटा देगा अभी. वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स रियलाइज. बोलेगा फिर सीयू मार्क्स नहीं देगा, सीयू मार्क्स नहीं देगा अगर आप यहाँ उल्टा पल्टा लिख के आ जाओगे. ठीक है, आपको वर्किंग नोट वगैरह सब कुछ करके दिखाना है. यहाँ एक एक करके सारा एसेट का नाम लिखो जो बिका है. कौन कौन सा एसेट बिका है? फर्नीचर, डेटर्स, और क्या बोली? स्टॉक. कितना कितना? 11,000. टोटल कैलकुलेटर निकाल के रखो, सब चलाओ, दूसरे का सुन सुन के मत करो. कंफर्म करो कोई एंसर, दोनों किया है. ठीक है, चलो फिगर यहाँ पे चिपका देते हैं. 38,000 एसेट्स मेरा सारा रियलाइज का काम खत्म. और कोई एसेट्स है कि खत्म? सब खत्म. चलो अब लाइब्रेरी के लिए करेंगे. अच्छा लाइब्रेरी के लिए एंट्री क्या होता? नॉर्मल एंट्री क्या होता है? लाइब्रेरी को पे करते तो लाइब्रेरी टू बैंक होता है. लेकिन क्योंकि लाइब्रेरी ऑलरेडी क्लोज हो चुका है सारा, तो अभी क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन टू बैंक. ठीक है, तो रियलाइजेशन टू बैंक
इसमें भी वन एंड मोर लाइबिलिटीज है, जब भी एक से ज्यादा लाइबिलिटी हो तो आप करोगे वर्किंग नोट, ठीक है। तो यहाँ वर्किंग नोट टू बनाओ, हम सब यहाँ बना रहे हैं क्योंकि हम मिटा देगा अभी, हम लोग पीछे बनाएगा। वर्किंग नोट टू लाइबिलिटी पेड ऑफ। अच्छा क्या क्या लाइबिलिटी था, एक तो हमको याद है क्रेडिटर्स का था राइट, कितना पे कितना किया, पूरा पे कर दिया क्या, कि कुछ कम पे किया, कुछ सेटलमेंट हुआ, सर्टेन क्रेडिटर्स ऑफ पेड इन फुल, वो तो और पे हुआ, एक्स्ट्रा पे हुआ, 25,000 तो पे हुआ ही ना, बोल रहे सर्टेन क्रेडिटर्स ऑफ पेड इन फुल इंक्लूडिंग अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये तो पे किया किया साथ साथ और एक चीज पे किया, क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी। व्हाट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ था बैलेंस शीट में पहले से, अगर कोई चीज लायबिलिटी है तो पहले से लिखा होना चाहिए, बिकॉज कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए लास्ट ईयर वो लोग बुक्स में नहीं लिखा था, क्योंकि लास्ट ईयर दे वर नॉट श्योर अबाउट इट कि ये खर्चा आएगा ही आएगा। इस बार क्या हुआ, उसका डिसीजन आ गया एंड अब क्या हो गया, वो खर्चा मटेरियलाइज हो गया और हम लोग उसको पेमेंट करना पड़ेगा। वी आर एक्सेप्टेड दैट इट इज आवर लायबिलिटी, तो कितना एक्सेप्ट किया, कंटिंजेंट लायबिलिटी 3500, ठीक है। और कुछ खर्चा है देखो तो कितना हो गया, ये दोनों जोड़ के 28,500, डन। अच्छा अब एडजस्टमेंट में पढ़ो, इसके बाद और कोई खर्चा है कि नहीं बताओ, रिलेशन एक्सपेंस है कितना और कौन पे किया, दो सवाल, कितना और कौन पे किया, पेड बाय द फर्म और पेड बाय द पार्टनर, फर्म पे किया, फर्म के बैंक से जाना चाहिए, अगर पार्टनर पे करता तो उसके नाम में खड़ा कर, ठीक है। मतलब अभी क्या एंट्री हो जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा, अगर यही पार्टनर पे किया होता तो रियलाइजेशन टू जो भी पार्टनर है उसका नाम लिखते, ठीक है। तो हर एक टाइप के लिए प्रिपेयर है, तो ये अभी लिखना है टू बैंक कितना 1500। नेक्स्ट एंट्री बोलो, नेक्स्ट एंट्री बिमल वाला, क्या वो बिमल बोल रहा है, चारू बोल रहा है, कौन सा पान मसाला बेच रहा है, 5% कमीशन मिलेगा ऑन द एसेट्स, 5% ऑन द एसेट्स रियलाइज। अच्छा एक कमीशन वाला जो चीज है ना, ये हर एक सम में अलग अलग आते हैं, किसी सम में लिखा रहता है यही लाइन लिखा हुआ रहेगा 5% या 10%, लेकिन ऑफ जो होगा ना, ऑफ ऑफ इसमें क्या लिखा है, ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द एसेट्स राइट, किसी सम में लिखेगा ऑफ द अमाउंट फाइनली पेड टू पार्टनर्स, किसी सम में कुछ और, तो हम लोग को हर सम में 5% डायरेक्टली बैठाना है, ठीक है। इस सम में बोला एसेट्स रियलाइज, तो एसेट्स रियलाइज कितना 38,000, तो इसका 5% करेंगे, जिस सम में जो बोलेगा वो करना है, ठीक है। डायरेक्टली हर बार एसेट्स रियलाइज क्या नहीं करना। अच्छा किसको देना है, किसको देना है कमीशन, विमल को देना है। अच्छा रियलाइजेशन नॉर्मली अगर खुद से पे होता था तो टू बैंक होता था, अभी किसके नाम में जाएगा, विमल के नाम में। तो टू बीस कैपिटल जो लिखेगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। बीस कैपिटल, विमल्स कैपिटल अकाउंट लिखो, बी सब में बी नहीं आया, विमल आया, कितना परसेंट है, 5% ऑन व्हाट, कितना हो गया, एग्जाम में 1900 की कैलकुलेटर से निकाल लेना, ठीक है। यहाँ तो ठीक है तुम लोग बोल देते हैं, बाद में क्या होता है उल्टा पलटा, एग्जाम में दो कॉपी में नजर आता है ना, एक अपना और एक बगल वाला, तो इसीलिए ओरली कैलकुलेट नहीं करना, तो बगल वाला फिगर लिख देता है, चार पांच में रहता है, हमारी दूरदृष्टि की कृपा है बस। चलो बता और कुछ एंट्री, ये चारू को दिवालिया करा दी थी ना, करो ना, करो बोलती है चारू इंसॉल्वेंट हो गया और 5,000 रुपया उसका प्राइवेट एस्टेट, प्राइवेट एस्टेट क्या होता है, क्या एस्टेट 5,000 रुपया जिसे मिल रहा है, मतलब खैर उसका जो भी घर बार होगा, ठीक है, क्या एस्टेट भाई 5,000 मिल रहा है, खैर उसका घर बार बेच के कितना रुपया आया, 5,000 आया, ये किसको मिलेगा, फर्म के पास आएगा ना पहले, तो फर्म के पास आएगा तो क्या एंट्री होना चाहिए, बैंक डेबिट होना चाहिए, हमारा पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू क्या करेंगे, रियलाइजेशन या चारू,
चालू क्योंकि जिससे पैसा आ रहा है उसके नाम में चढ़ाएंगे। अच्छा तो एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू चालू, इसमें कहीं पे भी रियलाइजेशन हिट हुआ नहीं तो इसमें एंट्री आएगा नहीं। ठीक है, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, डाल देंगे, चलो बाद में डाल, इसको बैलेंस कर, एंट्रीज खत्म हो गया तो अब इसको बैलेंस कर। दस में से नौ सब में डिसोल्यूशन में लॉस आना चाहिए, क्यों बोलो, लॉस नहीं आएगा अगर गार्नर वाले का सब में तो फिर इतना मेहनत ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लॉस के लिए ये सब सब बनाया जाता है ताकि आप पूरा एडजस्टमेंट करके दिखा पाओ, लॉस ही आएगा। तो क्या लिखेंगे इधर, बाई पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट, यहाँ आप ये अंडरलाइन वाला सिस्टम कर सकते हो। क्या क्या नाम है उसका, अमल की अमल, अमली कैसा लग रहा है, अमल होगा ना, अमल पान मसाला, दूसरा तीसरा चार और एक दाने में केसर का, हाँ दाने दाने में केसर का दम अच्छा ऐड कर लेते हैं। और एक सर डी वाला कौन था, कितना आया लॉस, नहीं नहीं ये लॉस कितना है, 16400, ये आया 4920, ये ना ऐसा रेशियो देने से अच्छा रहता है, दो का तो एटलीस्ट फिक्स हो जाता है। तो डन रियलाइजेशन था, कितना मार्क्स मिलेगा रियलाइजेशन बनाने में, 15 में 5, 6 नंबर मिलेगा आपको रियलाइजेशन बनाने के लिए। ठीक है, बाकी 6 नंबर मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में और 3 नंबर मिलेगा बैंक अकाउंट। ठीक है, हाँ क्या बोलता है, वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट के लिए वो मतलब इंक्लूडेड है, इसका फिर आधा आधा हो जाएगा, इसका आधा और वर्किंग नोट का आधा। वर्किंग नोट नहीं बनेगा तो 0 मिलेगा ना, सिंपल से ऐसा सोच लो ना, वर्किंग नोट नहीं 0 है, ये मिटा दे रहा वर्किंग नोट, कोई बात नहीं, गलत है कुछ चेक कर लो, 16400 तो राइट है। तुम तुम्हारा है आंसर है, करो कैलकुलेट इसका आगे, उसको कॉपी दिखा दो और सब लोग रेडी करो फॉर्मेट पार्टनर्स के अकेले को। स्केल वैल्यूज कर लेना क्योंकि ये थोड़ा सा वो होगा, मतलब चार कॉलम होगा तो किसी में तुमको स्पेस कम कर दोगे ज्यादा कर दोगे, ये सब होता है। अच्छा वो हम क्या बोला था, गार्नर मरे और थर्ड पार्टनर कौन था, विलियम, पता ही था अभी शेक्सपियर को लेके आएगा, डब्ल्यू फॉर हर डब्ल्यू से विलियम नहीं शुरू होता है, क्या है विल्किंस। और ये केस स्टडी कौन से ईयर में आया था, 1904, अच्छा याद रखना 1904, वेरी गुड, सब याद रखिएगा, मतलब ये जो पूरा बैकग्राउंड बताया ना, थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एक सम दे दिया 12 नंबर का उसके साथ 3 नंबर थ्योरी अटैच कर दिया, बैकग्राउंड बताइए, ब्रीफ नोट ऑन गार्नर वर्सेस लॉ, तो वो बताना पड़ेगा। चलो फॉर्मेट रेडी, रेडी कर लो सर, फॉर्मेट रेडी कर लो फिर बात करो। बारिश होने का चांस है, क्लास होगा एक होता बूंद गिरा उसके बाद आपने पता चल मान लिया,
लड़का बोला आज थोड़ा लेट से उठे भैया क्लास होगा घर उतारेंगे तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है. अच्छा कहाँ से उतारता ओपनिंग बैलेंस ये वाला लेजर के लिए मतलब क्रेडिट साइड या डेबिट साइड वो देख लो बैलेंस शीट में कहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है और बाय बैलेंस बीडी लिख के उतारो किसका किसका क्रेडिट बैलेंसेस है ए और बी का कितना कितना है 20,000 और 15,000 सी डी का नहीं है डेबिट बैलेंस है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बी डी कितना है डेबिट बैलेंस 16,000 सबसे पहला काम ये आई होप ये सब कर लेगा इसमें सबको स्टेप मार्किंग भी मिल जाएगा ठीक है ऐसा अगर सोच रहे थे गलत है ठीक आगे देखते हैं इसमें नहीं मिलेगा ना स्टेप मार्किंग तो क्वेश्चन में दिया हुआ कॉपी कर रहे इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा ठीक है ओके नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो काम था इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेते तो हम लोग कर लेते आओ यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉस है तो यहाँ क्या लिखेंगे टू जहाँ से लेके आते हो उस अकाउंट का नाम लिखते हैं हम लोग तो टू रियलाइजेशन ओके किसके किसके कॉलम में चारों में क्योंकि शेयर तो ऑल द पार्टनर्स करेंगे तो हम लोग चारों में लिखेंगे चलो 4920 3280 बहुत खूब अब आएगा गार्नर मरे का एप्लीकेशन चार रूल्स पढ़े थे उसमें से रियलाइजेशन लॉस से रिलेटेड कौन सा रूल था रियलाइजेशन लॉस से रिलेटेड कौन सा रूल था जो लॉस है वो लेके आएगा ये लोग कैश में कौन कौन सॉल्वेंट पार्टनर्स इन तीनों में से चारों में से सॉल्वेंट कौन नहीं है कौन सॉल्वेंट नहीं है चारों इंसॉल्वेंट हो गया तो भाई ये तो पैसा लेके नहीं आ पाएगा डैश लगा दे ठीक अब पैसा लेके आएगा तो फर्म के पास पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अपना अपना जो लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो यहाँ हो जाएगा बाय बैंक अच्छा बाई बैंक जब हो रहा है तो अब बताओ ये फिगर नहीं आएगा ना ये सारा फिगर आएगा सी का नहीं आएगा ओके तो हम लोग ये सारा फिगर कॉपी कर देंगे सी में हम डैश लगा दिया है हम बाकी कॉपी कर दिया ये अपना 4920 लाएगा ये भी 4920 और ये लाएगा 3280 ये लोग अपने अपना पैसा लेके आ जाएगा हुआ ये काम हुआ अच्छा इसमें से हम लोग चेक कर लेते हैं कौन कौन सा एंट्री ट्रांसफर करना बचा हुआ है ये ट्रांसफर कर दिया हम लोग और इस साइड में कोई पार्टनर कैपिटल का कोई एंट्री नहीं है इस साइड चेक कर लेते कोई पार्टनर कैपिटल का एंट्री है विमल का है तो हम लोग यहाँ इसको ट्रांसफर कर देते हैं क्या नाम से हाँ सही बोल रही चल बाय रियलाइजेशन किसके कॉलम में डाले चलो डाल रियलाइजेशन अकाउंट ए सी डी में डैश और विमल में 1920 अब धंधा डूबा हुआ उसमें 1900 रुपया भी मिल जा रहा बहुत है उसको ठीक है 1900 रुपया क्या है ठीक है चलो दो बार बारबी फिनेशन जाके आ जाएगा 850 कर 200 रुपया आने जाने का भाड़ा चलो आगे बात करते हैं ए इसी का कम हो गया कि बाकी है अब हम लोग डेफिशिएंसी का रूल अप्लाई करना होगा ना कौन इंसॉल्वेंट था सी तो सी का ही पहले चेक कर लेते डेफिशिएंसी है कि नहीं है कितना डेफिशिएंसी हमको चेक करके दो डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है जिस आदमी का डेबिट साइड में ज्यादा बैलेंस हो और क्रेडिट साइड में कम अकाउंट उसका क्रेडिट नहीं है डेबिट है मतलब उसका नुकसान में है ठीक है तो और चेक करते कितना है 16,000 और 3280 और कोई तो फिगर है नहीं तो उसका कितना डेबिट है 19,280 तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बाई बाई क्या बोलो ना फिगर यहाँ पे कितना आना चाहिए बैलेंसिंग फिगर 19,280 फिगर तो यही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो था ये यहाँ लिख देंगे तो डेफिशिएंसी मैच हो जाएगा बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स का नाम लिखेंगे नहीं गलत बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस का नाम लिखेंगे मार्क किया था लाइन देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट ऑफ द नोट्स देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट ऑफ द नोट्स क्या लिखा है हम उसमें
सेकंड पॉइंट में लिखाया था भाई सॉल्वेंट पार्टनर्स, और थर्ड पॉइंट में लिखाया था कौन सिर्फ बियर करेगा, ओनली जिसका क्रेडिट बैलेंस है। तो हम लोग वापस से क्या चेक करेंगे, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है ए बी और डी, ये तीन सॉल्वेंट है, तो इनमें से किसका डेबिट बैलेंस है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और चेक करते हैं किसका डेबिट बैलेंस है, कैसे चेक करते हैं, ये माइनस ये, इसका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, वो देख लेते हैं, 24 के आसपास और माइनस 490, इसका 20 पॉजिटिव है, इसका चेक करते हैं 15, 19 और 20 के आसपास है और माइनस 4, इसका भी पॉजिटिव। सी का चेक करने का कुछ सवाल नहीं है, डी का 3280 है और यहाँ ज्यादा है, यानी इसका भी नेगेटिव। तो क्या ये डेफिशिएंसी शेयर करेगा, ये डेफिशिएंसी शेयर नहीं करेगा, तो कौन शेयर करेगा भाई, बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, एक ही लाइन में लिख सकते हो आप लोग, बाई ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 19280 यहाँ पे लिख के उस चीज को खत्म करेंगे, बाकी सब में डैश लगा देंगे। जो गार्नर मरेगा, ठीक है, बाकी तो जैसे लास्ट किए थे वैसे मैं, यहाँ तक काम हुआ। अच्छा, सी का घर बार बेचा था, सी का ना डी का, किसी का एक का घर बार बेचा था, सी का कुछ बेच के पैसा आया था 5000, तो एंट्री क्या होगा, बैंक को पैसा मिलेगा और सी का क्रेडिट होगा, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, बाई बैंक अकाउंट, कितना आया था इसका बेच के 5000, तो ए का डैश बी का डैश इसका, इसमें हम लिख देगा 5000, सी का ही आया था तो श्योर, तो फिर इसका डेफिशिएंसी तो कम हो जाएगा यार, सी का घर वगैरह बेच के अगर ये आया था तो ये तो डेफिशिएंसी कम हो जाएगा ना, फिर ये इतना थोड़ी रहेगा डेफिशिएंसी, फिर ये 14280 होगा, तो इस एंट्री को ना पहले कर लो तुम्हारा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा घर पे भी, अगर सी का अगर घर वगैरह बेच के, सब सी का ही है ना, देख लो एक बार भाई, फिर वापस से चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पहले बाय बैंक अकाउंट कर लो, सी का यहाँ पे तुम लोग डालो 5000, तो ये डेफिशिएंसी फिर हम लोग कम कर देंगे, 14280 हो जाएगा, कैसे कम हुआ ये तो समझ गया ना डेफिशिएंसी, यहाँ पे कितना था 19280 माइनस 5000 दैट इज 14280, तो ये लोग दोनों मिलके कितना बियर करेगा 14280, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए, डेफिशिएंसी जो बियर करेगा उसका रेशियो क्या था बताओ, पढ़ के बताओ, याद करके बताओ, कैपिटल रेशियो में बांटना था, ओके, कैपिटल रेशियो कैसे निकलता है किसी का, उसका कैपिटल चेक करेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे, देख के हमको बताओ कैपिटल रेशियो कितना है, कैलकुलेट करने का नहीं, ओरली तो आंख से दिख रहा होगा, कैपिटल कितना है, अमर और बिमल शेयर कर रहा है ना, डी कर रहा है क्या, डी नहीं कर रहा है, तो कौन शेयर कर रहा है, अमल और बिमल, तो अमल और बिमल का कैपिटल शेयर कितना है, सबको दिख रहा है 4:3, अरे 5 4 20 5 3 15, 4:3 है, तो हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, कितना 2 है या 3, 3 बनाओ वर्किंग नोट 3, हम इसको अब मिटा देते, वर्किंग नोट 3 का हेडिंग क्या देगा, कैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी बाय ए एंड बी, ठीक है, वर्किंग नोट 3 बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ डेफिशिएंसी बाय अमर एंड विमल, ठीक है, अमर एंड विमल का हम लोग डेफिशिएंसी शेयर करेंगे, किस रेशियो में शेयर करेंगे, इन कैपिटल रेशियो, ठीक है, पहले अमर का निकाल लेते, आई होप सबको बांटना तो आता ही होगा, बांट लो, ठीक है, अमर का कैसे निकलेगा बोलो, कितना शेयर करना है, 14280 इंटू 4/7 दैट इज इक्वल टू जो भी होता है 816, इसी तरह फिर विमल का कर लेते, कितना बोला था 8160 6120, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, बाय एज एंड बीज कैपिटल, तो इसका मतलब एंट्री क्या लिख के रखे हो आप, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है या ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है,
बाई हुआ है ना, तो ए एंड बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल, यही तो एंट्री हुआ है, तो यानी इधर भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, टू सी मतलब चारूज, सी नहीं लिखेगा कोई, चारूज कैपिटल अकाउंट। हम हर जगह पूरा लिखेंगे, तुम लोग भी हर जगह पूरा लिखेगा, हम एक्सेप्ट इसको छोड़ के, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ जगह नहीं था। ओके, टू चारूज कैपिटल अकाउंट, किसके किसके कॉलम में लिखना है, सी डी में डैश लगा दो, ए और बी में फिगर चिपका, 8160 6120, सी में डैश लगाओ और एट यहाँ दो फिगर चिपका, डन, इसका काम डन। कोई एंट्री और बच गया है छूटा हुआ देख लो, तो फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ जाएगा, पूरा मेहनत और बढ़ जाएगा, नहीं बचा है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग एक एक कॉलम को बैलेंस करना शुरू करते हैं। सी तो ऑलरेडी बैलेंस है, देख लो सी तो बैलेंस है ना, क्योंकि हम लोग तो इसको बैलेंसिंग फिगर करके ही डेफिशिएंसी निकाले थे, तो सी बैलेंस है। चलो इसमें हम लोग का फिगर है 19280, ये मेरा डन 19280। कोई कोई एग्जाम में क्या कर गया था, ऐसे ऐसे चला देता है बैलेंस होकर, डबल डैश करने से बैलेंस नहीं होता है, यहाँ आपको फिगर लिख के बैलेंस करना होता है, ठीक है, वो काम मत करेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा डी को भी बैलेंस कर लेते हैं, डी का सिचुएशन किधर है, इधर आ रहा है या इधर, इधर आ रहा है। अच्छा तो डी के पास पैसा नहीं है, ऐसा थोड़ी बोला है, डी का थोड़ी बोला घर बार बेचना पड़ा, अभी डी के पास पैसा है, ठीक है, तो यानी 6000 3280 कितना हो गया, 9280 माइनस 3280 तो कितना होता है 6000, तो ये पैसा डी अपना लेके आएगा बाय बैंक अकाउंट 6000, डी के पास क्योंकि पैसा है 9280। अब ए और बी को बैलेंस करके हमको फाइनल फिगर्स बना दो कि ए और बी में क्या बचा, 2490। इधर ही आएगा इसका तो, टू बैंक, अच्छा इधर टू बैलेंस सीडी लिखेंगे या टू बैंक लिखेंगे, क्यों बैलेंस सीडी क्यों लिखते हम लोग, अकाउंट क्लोज हो रहा है, कहानी खत्म हो रहा है, यहाँ बैलेंस सीडी तभी लिखते हैं जब एडमिशन रिटायरमेंट डेथ हो सकता है, ठीक है। तो चलो क्लोज करके फिगर्स वगैरह बता दो, निकाल नहीं पाया, कौन सा 11840 सब बता दो, ज्यादा 21820 21820, करेंगे तो अमर लोन पे करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, खुद बताओ, अमर लोन्स अकाउंट डेबिट की अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर लोन्स अलग लेजर है ना एंड अमर कैपिटल अलग लेजर है, तो अमर लोन को डेबिट करोगे, टू बैंक करोगे, ठीक है, तो यहाँ तो कहीं एंट्री नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ नहीं किया, ठीक है, उसको बैंक अकाउंट बनाएगा ना उसमें करेंगे, ठीक है। चलो ये काम हो गया, कॉपी कर लो जिसका करना है और बाकी बैंक अकाउंट बनाना शुरू करो, उसमें मेरे को कुछ सिखाना नहीं है, जहां जहां आपके पास बैंक अकाउंट जहां जहां जिस जिस लेजर में लिखा था आप उसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना मत भूलना, वो हम करके ही देंगे, बैंक अकाउंट का हम ओपनिंग बैलेंस तुम लोग लिख के कितना है 3000, ठीक है, इसके आगे अपना ट्रांसफर करना शुरू कर, बैंक अकाउंट मैच कर जाना चाहिए, टू बैलेंस बी डी 3000, अमर लोन भी हम लिखेंगे, अमर लोन कैसे लिखेंगे बोलो, एंट्री क्या होगा, अमर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय अमर लोन, बाय अमर लोन अकाउंट कितना था 12500, चलो हम इसको कंप्लीट कर दें,
टैली हो गया मुझे। ट्रांसफर कर रहे हो तो कंटिन्यू लाइक वो भी तो आएगा, कंटिन्यू लाइक सब कुछ आएगा, जो आ रहे हैं वो भी तो आएगा। 5000 जो व्हाट 5000 कितना सर डी का 6000 डी का 6000 सर एक जो उसका सी भी तो लाया था 5000 वो वाला 5000 वो वाला क्या होता है सी का ना 65120 हाँ 65120 और भी कुछ है वो सब ओरली कैलकुलेट करके बैठा है तुम बताओ इमरान एंट्रीज बताओ सर बहुत तीन हो जाएगा 49 20 29 20 हमको ऐसे हमको तुम क्या किया फिर वो तो हम यहाँ से देख के हम ट्राई करते हम भी कर लिए तुम क्या कर लिए हम लोग ओरली कर लिए नहीं तो लिखा है तो हमको क्या लिखाओ एक 49 20 लिखो कहाँ लिखो उसी में पार्टनर से सर नहीं तो किसका नाम में लिखा ये लो 49 20 तुम कौन सा फिगर बात कर ये सारा बात कर रहे तो ये सारा तुम एक साथ ही हमको लिखा सर ये डी सी अलग लिखा है तुम ये 6000 लिखा है हमको और ये 5000 लिखा है राइट ओके इसमें तुम वापस से बोल रहे मेरे को ए बी और डी सी ए ए बी और डी और डी ये कितना कितना है 4920 4920 3280 यही तो और कुछ है डेबिट में नहीं इस सबका टोटल करके कितना आता है 6500 तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम ये डी को आउटर में नहीं लेके जा सकते ठीक है तुम्हें टोटल करके इस पे ही लिखना है कितना आ रहा है कर लो बताओ बताओ कितना आ रहा है जोड़ के बताओ कोई हमको ये सारा फिगर जोड़ के दो या तो इसमें से ये दो माइनस कर दो वही आएगा चलो बाई साइड का बताओ बाई साइड का रियलाइजेशन 20000 बाय रियलाइजेशन सर पार्टनर कैपिटल 30000 यहाँ क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी का 11840 30000 ये क्या किया ना 28500 और 1500 को जोड़ के बोल दिया दो आइटम था ना उधर तुम्हारा उधर 28500 आया हो किसी का 15000 दो एक ही बात है वो ठीक है चलता है चलो बताओ मुझे कितना ये दोनों टोटल कर दिए
2 to 6 to 0 अभी तक मेरे को इसका टोटल नहीं आया। 24 अरे फॉर्म में लड़का एक साथ डायरेक्ट जोश में बोला कॉपी कर लो जिसको बचा हुआ क्या छुट्टी हो गया क्वेश्चन दे रहे हैं उसका तुम लोग एटलीस्ट हमको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट खुद से बना लो ठीक है ओनली रियलाइजेशन और होमवर्क में क्या करेगा पहले वो लिख लो 2π नुमाई का एक सम है क्वेश्चन नंबर टू में एक 2π नुमाई का सम है वो करना होमवर्क में पेज नंबर 23 हाँ जो भी है समझ गया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर बना के